पाईले साहेब रौरी नौकरी। अरे साहेब रौरी नौकरी में, साहेब रौरी नौकरी में, साहेब रौरी नौकरी में बड़ी सुख पाईले साहेब रौरी नौकरी में। अब तक साफ हो चुका था कि इस पूरे खेल में ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। नतीजा हमारा अगला ठिकाना हजारीबाग का खनन कार्यालय था। क्रशर जो है बहुत दिखा, तो मन में ये सवाल उठा कि मतलब क्रशर जो है उस इलाके में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जो क्रशर चलते हैं वो बेसिकली किस तरह के क्रशर हैं, क्या लाइसेंस मिला हुआ उनको चलिए, या फिर क्या है उसके पीछे? नहीं, लाइसेंस NH-33 जो इचाक मोड़ के पास जो आप देखते हैं वो लाइसेंस नहीं दिया गया है। कारण कि उसका पोल्यूशन का गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, उसी चलते इसी आधार पर हम लोग ऐसी समिति। अधिकारी महोदय थोड़े इंतजार के बाद अपने चैम्बर में आए, ना जाने क्यों हमारे कैमरे को देखकर वो थोड़े से घबरा गए, लेकिन सच कहाँ छुपता है। खनन भी तो हो रहा है, उसमें नहीं उसमें देखते हैं। इस पर हम बहुत से FIR वगैरह दर्ज किए हुए हैं। इसमें 12/12/2013 को मेरे यहाँ इचाक थाना में पथरावबाजी हुआ था। अच्छा। जो कि हमारे गाड़ी का माइंस डिपार्टमेंट का गाड़ी का शीशा, पोल्यूशन का गाड़ी का शीशा, STO सदर का शीशा तोड़ा गया। क्यों सर ऐसा क्यों हुआ था, मतलब आप लोग कार्रवाई किए इसके? कार्रवाई गाँव के लोग जो जी हाँ मतलब यहाँ के जो बाहुबली हैं। हमारी नहीं, ये जिम्मेदारी तो फॉरेस्ट और पॉल्यूशन विभाग का है। सरकार वेतन के तौर पर मोटी रकम देती है इसी काम के लिए, लेकिन डर तो सबको लगता है, साहब को भी लगता है। तो अपना जीवन को हथेली पर रख सकते हैं, डर है, दबाव डर है, आपको डर लगा रहता है। अब इनको कौन समझाए इनकी डर की वजह से डर या कुछ और, आप बेहतर समझ सकते हैं। हजारीबाग अब हजारों बाग वाला शहर नहीं, क्रशर वाला शहर बन गया है। लेकिन जो हो रहा है सर वो गलत है, मतलब आप मानते हैं? हाँ जी हाँ, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। हाँ। मतलब ये आंखों के सामने अगर बोला जाए कि नहीं, हम देखिए आप इससे हम कैसे ये करें, आप ही जरा बताइए। लोगों ने आरोप लगाए, जो जैसा कि हम गैस स्टोरी वगैरह किया है, लोगों का ये आरोप था कि भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं, इस वजह से ये चलता है, पैसे लेके लोग जो है मामला को दबा देते हैं या पैसा लेके जो है साइड कर देते हैं, इस वजह से ऐसा चलता है, ये करना गलत है। हजारीबाग के आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर क्रशर का अवैध कारोबार चल रहा है। अधिकारी हो या नेता हो, तमाम लोगों को इस बात की जानकारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है। जबकि हजारीबाग का पूरा इलाका सेंचुरियन का इलाका माना जाता है, वहाँ इस तरह के कारोबार को किसी भी तरीके से करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं अधिकारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें बाहुबलियों से खतरा है, तो सवाल ये है कि इस पर अंकुश कौन लगाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कशिश कॉरेस्पोंडेंट में अगले हफ्ते फिर किसी दूसरी योजना के तहकीकात के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी दीपक, कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार। झमा बाजू बंदर साजे संतोष के नूपुर बाजे, झमा बाजू बंदर साजे संतोष के नूपुर बाजे, किया रे सजनी रे घृति के तिलरिया गरवा सो भेले रे।
प्यारे सजनी रे ग्रीत के तिलरिया गरवा सो